स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जनता समर्थन तेजी से गिर रहा है और जितनी तेजी से वो गिरावट है उतनी ही तेजी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट सामने आती है। उनके हाल के भाषणों से वक्तव्यों से एक बात स्पष्ट है कि वो अपनी निश्चित पराजय से घबरा रहे। कुछ दिन की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़े काम किए हैं, उनकी जवाबदेही भारत के मतदाता तय करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने जो अपने भाषण में कहा पिछले कल और परसों, उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री लोगों के सवालों से और असली मुद्दों से भागते हैं। हमने उनसे बार बार आग्रह किया है, कृपा करके आप वापस 2014 के अपने वायदों पर आ जाए जो आपने भारत की जनता से किए थे। जनता ने उस पर विश्वास किया, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को जनादेश दिया, उनकी सरकार बनी। जो बात वो 5 साल पहले कहते थे कांग्रेस के बारे में, उस समय की सरकार के बारे में, 5 साल के बाद वो कहना न्यायोचित नहीं। लोग ये बात नहीं सुनना चाहते, लोग ये सुनना चाहते हैं कि क्या कारण था कि आपने हमारे विश्वास को तोड़ा, वायदा खिलाफी की। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां मैं गया हूं वहां से ये बात साफ जाहिर है कि मतदाता इनसे निराश भी है और एक वर्ग है हमारे मतदाताओं, विशेष तौर पे हमारे नौजवान जिनको 2 करोड़ रोजगार का वायदा था और करोड़ों रोजगार टूटे, किसान और जो वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग है समाज का, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री ने केवल विश्वासघात नहीं किया बल्कि भारत की जनता से धोखा किया। वो सब मुद्दों से अलग हटके केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद की बात करते हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री भारत के मतदाताओं की, भारत की जनता की विवेक और बुद्धिमत्ता को नकारते हैं। अगर उनका सम्मान होता मतदाताओं के विवेक के प्रति तो ऐसे गलत बयान ना करते, क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री ने जो कहा पिछले सरकार के समय आए दिन हमले होते थे, ये कारण क्या है? हमारी खुली चुनौती है उनको, उनके बाकी चापलूस मंत्री हैं, किसी मंच से इस पर चर्चा। सच्चाई ये है कि इनके शासनकाल में देश के ऊपर आतंकवाद के बड़े हमले हुए, इनके कार्यकाल में आतंकवादी घटनाओं 176% वृद्धि हुई, 16 बड़े हमले और 1700 से ज्यादा आतंकवाद की घटनाएं हुई। गृहमंत्री ने देश की लोकसभा को ये सूचना दी है, उसमें देश के 426 जवान, ये 2018 तक, 2019 के लिए है उसमें शामिल, वो शहीद हुए और लगभग 1400 नागरिक भी उसमें मारे। प्रधानमंत्री का ये कथन चौंकाने वाला है, उनके कार्यकाल में कोई बड़ा धमाका नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी जरा व्याख्या करें कि बड़े धमाके के क्या रूप होना चाहिए, क्या उरी, उधमपुर, कौमपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, ये अगर बड़े धमाके नहीं थे और पुलवामा, तो आप किसका इंतजार करो?
बड़े दुख की बात कि हमारे पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो केवल अपनी बात करते हैं और तथ्यों को, जमीनी हकीकत को हमेशा इनकार करते हैं, चाहे वो माओवादी हमले उसकी भी जो सरकारी आंकड़े हैं सामने। हैरानी की बात है कि वर्षों गोंडिया में प्रधानमंत्री भाषण कर रहे थे, क्या कहा उन्होंने, जब कांग्रेस आती है कांग्रेस को चुनोगे तो माओवादी हमले बढ़ जाए, तो कुछ समय के बाद घटना होगी, उनका घटना होगी तो 15 कमांडो आईईडी के विस्फोट में मारे, क्या प्रधानमंत्री इस बात का जवाब देंगे? और वहाँ के मुख्यमंत्री फडणवीस की जो सीआरपीएफ और जो स्पेशल टास्क फोर्स, जो इक्विपमेंट उन्होंने मांगी 2014 जिससे आईईडी के ब्लास्ट को, विस्फोट को रोका जा सकता है, उसके लिए फंड्स को एलोकेट नहीं किया गया, पैसा उपलब्ध नहीं किया। हम इस चीज को समझते हैं कि ये चुनाव केवल इस विषय तक सीमित नहीं रह सकता। भारत एक बड़ा देश है, हमारी समस्याएं भी उसी तरह से विशाल है, चुनौतियां भी हैं देश के सामने, पर यह अपेक्षा की जाती है कि जो सरकार 5 साल तक सत्ता में रही वो अपने कार्यकाल का देखा जोखा देश के मतदाताओं को देगी, इसके लिए प्रधानमंत्री बिल्कुल तैयार नहीं है। हमारी प्रधानमंत्री से एक विषय पर मैं कहूंगा सख्त आपत्ति, देश को और समाज को बांट रहे हैं, निरंतर 5 साल उनकी विचारधारा और सोच ने हमारे देश और समाज में लकीरें खींची हैं, धर्म की, जाति की, इससे तनाव और टकराव समाज में बढ़ा है। भारत तब मजबूत होगा जब भारत की आंतरिक एकता, आंतरिक सुरक्षा की मजबूत होगी। चुनाव होता है विचारधारा पर, कार्यक्रम पर, नीति पर, आने वाले 5 साल की रूपरेखा पर। ये पहला चुनाव है और पहले ये प्रधानमंत्री है जो हर उस राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता जो इनसे सवाल करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति के लिए सवालिया निशान पर। हमारा इनसे आग्रह, एक ऐसा संवेदनशील विषय है देश की सुरक्षा, उस पर भारत को आप मत काटें, इससे बढ़ के अहित नहीं होगा। 23 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की और उनके मंत्रिमंडल की विदाई हो जाएगी। ये जाती हुई सरकार है, तो जाती हुई सरकार हर दिन, हर घड़ी तो प्रधानमंत्री के हर बयान से इस देश को, मजबूती को चोट पहुंचे वो हमको स्वीकार है। जहां तक प्रश्न है सुरक्षा का, एकता अखंडता का, आतंकवाद से लड़ने का, हिंदुस्तान की एक आवाज रही। पहले भी हम पे हमले हुए, पर उस समय के प्रधानमंत्रियों ने और सरकारों ने विरोध पक्ष पे किसी तरह के आरोप नहीं। मैं याद दिलाना चाहूं कि जब संसद पर हमला हुआ था, बीजेपी की सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जब कारगिल पर हमला हुआ बीजेपी की ही सरकार थी, जब विमान का अपहरण हुआ इन्हीं की सरकार थी, और ये मसूद अजहर जिसका ये वर्षों से काफी उत्सव मना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाबंदी लगाई और पूरे देश को उससे खुशी है, हम सब ने स्वागत किया, इनको भी हमारी जेल में कैद थे, इन्होंने तभी यहाँ से आजाद करके छोड़कर आए थे, और छोड़ के भी आए थे बाइज्जत और साथ में पैसा भी दिया था। तो ये प्रधानमंत्री अगर ये सवाल ना करें तो अच्छा हो। मुझे हैरानी है कि कल दो बड़े मंत्रियों, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ने
ये कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के कारण संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में ये निर्णय हुआ 1287 के तहत उनको नामजद किया गया एक आतंकवादी के रूप में। निरंतरता होती है तो देश की सरकारें काम करती हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मंत्री हैं, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, राजदूत है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो ये मानता संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद में उठाई है। ये पहले भी हुआ है, मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, इन्होंने एकता नहीं दिखाई थी। कल ये कहा गया कि देश में जो एकता थी इस विषय पे उसको कांग्रेस ने कमजोर किया है, तोड़ा है। पहली बार अलग आवाजें होती, हम आज भी अलग आवाज नहीं, पर आम सहमति जो था उसको तोड़ा था किसी ने, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेस के किसी नेता ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि देश पे हमला हो रहा हो और आप पोस्टर्स निकाल रहे हो सरकार के, अपनी सरकार के खिलाफ आतंकवादी हमला चल रहा हो और आप बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज इनका ये कहना, इस पर वोट मांगना, कहूंगा इससे बढ़ के शर्म की कोई बात नहीं। मुंबई हमले के दो हफ्ते के अंदर हाफिज सईद अलखाबी को एम किया गया, पाबंदी लगाई गई, लश्कर ए तैयबा को जो संगठन है उस पर पाबंदी लगी, जमात उद दवा पर पाबंदी लगी, दाऊद इब्राहिम को नेम किया गया। क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक बयान आप हमको दिखा सकते हैं या कांग्रेस पार्टी का कि हमने 2009 इस विषय पे वोट मांगा? कुछ महीनों में तो चुनाव हो गया, 2008 की घटना है नवंबर की 26/11, तो कुछ महीने में देश का चुनाव आ गया, हमने कैसी बात की? ये जो कह रहे हैं उससे स्पष्ट है कि आप बौखला, जितनी तेजी से जमीन खिसक रही है उसी तरह से इनकी वाणी खराब हो रही है और वो बातें कह रहे हैं जिनका आम जनता से और इस चुनाव के असली मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन है। अब चुनाव में सही है कि नरेंद्र मोदी जी उनके नेता हैं, तो कोई आपत्ति नहीं उस दल को तय करना है, तो क्या कहकर आप वोट मांग रहे हैं उनके? हम न्याय की बात करते हैं, उनके 5 साल अन्याय हुआ, वायदा खिलाफी हुई, और वो कहते हैं काम रुकेगा, कौन सा काम नहीं रुके, आपने काम कौन सा किया जरा हिसाब तो देखो। देश झुके ना, एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति 130 करोड़ लोगों से ऊपर है, यह अधिनायक बात देश के प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित है। जो बयान इन्होंने नोटबंदी के बाद दिया था, बिहार चुनाव में दिया था, वो बयान प्रधानमंत्री जी के खिलाफ की कई शिकायतें हैं, अमित शाह जी और प्रधानमंत्री उन पर कोई कार्रवाई दोनों पर नहीं, और इसमें जहां इनके भाषण हुए गलत, उन राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की भी रिपोर्ट्स को मतलब हटा सकते हैं, और ये सर्वसम्मति से चुनाव आयोग के निर्णय नहीं है। चुनाव आयोग में भी इस विषय पर दो मत है, पर हैरत की बात, जहां एक संवैधानिक जिम्मेदारी देश के चुनाव आयोग पर है, प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल के अध्यक्ष निरंतर आचार संहिता का उल्लंघन करें और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, इससे देश का चुनाव आयोग
अपनी संवैधानिक कर्तव्य से उसका पालन करने में सक्षम। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव में सब बराबर है, चुनाव में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, हर दल के नेता बराबर हैं, आचार संहिता सब पर बराबर से लागू होती है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिपीटेडली कंप्लेन टू द